गरीबो, रोनाल्डो के फैन हो? रात को नींद तो नहीं आई होगी? कौन थे रोनाल्डो के? रोनाल्डो रोनाल्डो पता चला है कौन है रोनाल्डो, कौन है मैसी? क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गया है। अच्छा प्लेयर है, मानते हैं अच्छा प्लेयर है, लेकिन भाई मैसी का मुकाबला नहीं है। निकालो पुरानी वीडियोस, सारी वीडियोस निकालो। क्या कहा था तुम्हारे भाई ने, एक मैच अर्जेंटीना आ रहा है आगे, सारे मैच जीतेगा, बड़ी बड़ी टीम्स को रहेगा। फ्रांस विच करेगा मोरक्को को, फ्रांस और अर्जेंटीना का आएगा फाइनल। फ्रांस और अर्जेंटीना का जब फाइनल आएगा वो भी जीतेगा अर्जेंटीना, लिख लो। पहले भी तुम्हारे भाई ने जो बातें की हैं तुम लोग मानते नहीं थे, अब मान लो। बता रहा हूँ कि फ्रांस हारेगा अर्जेंटीना से और पहले फ्रांस हराएगा मोरक्को को। हम नहीं जानते एम्बापे वगैरह को, अच्छा प्लेयर है होगा, अपने लिए अच्छा प्लेयर होगा। मैसी तक नहीं पहुँच सकता भाई, नहीं पहुँच सकता। कहा था जीतेगा अर्जेंटीना फाइनल, जीत गया अर्जेंटीना। और भी खिदमत तुम्हारे भाई के लिए हो तो वो भी बताओ, ठीक है? मैच शुरू होता गया ना, 70 मिनट तक तो बॉल था ही नहीं ना फ्रांस के पास, अर्जेंटीना लोग खेल नहीं है, इधर मार इधर 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 इधर। उसके बाद यार मैसी ने कहा इतना बड़ा प्लेयर मैं भी जीत जाऊँ, गोल बराबर कराऊ। हमने 1 मिनट में 2 गोल करवा लिए अपने आप में, ठीक है, गोल बराबर हो गए, 2-2 गोल करा लिए। उसके बाद मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना शुरू हुआ ना, जब मैच इंटरेस्टिंग होना शुरू हुआ उसके बाद हम लोगों ने कहा एक्स्ट्रा टाइम पर बात आई, बात आ गई एक्स्ट्रा टाइम पर। एक्स्ट्रा टाइम में मैसी ने एक और गोल विच करा दिए। हाँ, जो तीसरा गोल हमारे पे हुआ ना फ्रांस ने किया है, वो हम लोग नहीं चाहते थे, वो तो बस वो हैंड बॉल हो गया, तो फिर एम्बापे अच्छा प्लेयर है, उसने फिर पेनल्टी पे गोल कर दिया। लेकिन फिर भाई क्लास है हमारी, कीपर लेवल का, पेनल्टी शूटर लेवल के। मैसी ने पेनल्टी कैसे मारी है यार, ये बताया उसने कि जो एक वर्ल्ड क्लास का प्लेयर होता है ना वो ऐसे पेनल्टी मारता है, जाके हल्का सा ये कीपर को समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हल्का सा यूं इन करा के। उसके बाद जो बॉय ने जब ट्रॉफी उठाई है ना यार, पता चला है कि 40 साल की अगले की मेहनत थी, ऑलमोस्ट 40 साल की अगले की मेहनत थी। उसके बाद हम लोगों ने आखिरी टाइम पे इन कराया डिबाला को, हमें पता था यार पेनल्टीज पे मैच आएगा, ठीक है डिबाला ने पेनल्टी मारनी है। डी मरिया को हमने बस शुरू में खिलाया, बस काम शाम कराया, असल में थोड़ा कमज़ोर सा है और बूढ़ा सा है तो हमने उसको बाहर बिठा दिया। लेकिन मैसी तो फिर शहजादा है ना, 120 मिनट खेला है, अगला 130 मिनट बन जाते थे ऑलमोस्ट, 130 मिनट खेला है, लेकिन बॉय ने परफॉर्म किया यार, ट्रूली डिजर्विंग टीम थी अर्जेंटीना। फ्रांस अच्छा खेला है लेकिन एक बार जीत चुका है ना बस ना, दूसरी बार भी तुम हरा दोगे अर्जेंटीना को, इतना आसान नहीं होता। तो अब हमारा बॉय जो है ना मैसी, इससे पूछा गया था आपको 5 बैलेंडोर चाहिए या आपको 1 फीफा की ट्रॉफी चाहिए, उसने कहा था ऑब्वियसली 1 फीफा की ट्रॉफी। अब बॉय ना सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा, सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा यार, क्या लेवल। आखिर में आप अब कह रहे होगे मैं क्यों इतना सपोर्ट कर रहा हूँ मैसी को, भाई मुसलमान हो गया ना मैसी, नहीं यकीन आ रहा, देखो ये वीडियो देखो। आखिर में और कुछ कहने को बचा तो नहीं है, आप इतना ये इतना बड़ा तुम सब के लिए कप लेके आया मैसी, इतना बड़ा कप लेके आया, फिर आखिर में और भी कुछ नहीं है। लाहौर द पावा अख्तर लावा नहीं, फुटबॉल द पावा मैसी लावा, मैसी लावा। मैसी का लेवल है यार ऐसी तो नहीं, मैसी इतना बड़ा प्लेयर बन गया ना यार, यकीन कर वो है। बहुत बहुत सुकून की नींद आई है रात को, बहुत सुकून से सोए यार। रोनाल्डो के फैन हो गरीबो, रोनाल्डो के फैन हो। यार कतर वालों की तारीफ ना की जाए तो बहुत गलत बात है यार, क्या क्या इवेंट ऑर्गेनाइज कराया कतर वालों ने यार, क्या अरेंजमेंट्स थी, क्या टूर्नामेंट हुआ है, ऊपर से क्या फाइनल हुआ है यार। ये होते हैं मैच, ये होते हैं प्लेयर्स और ये होती हैं टीम्स यार, जिनका मैच देखने का मज़ा आया। क्या लेना देना था पाकिस्तानियों का फुटबॉल से, लेकिन ऐसे फुटबॉल देखे ना हम लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान फुटबॉल खेल रहे यार। नहीं आपका भाई मैसी का फ़ैन है, मैसी से बात हो गई है, 1-2 दिन में मैसी का लाइव इंटरव्यू करेंगे, ठीक है समरिया, उसमें पूछेंगे मैसी की कैसी हालत है, क्या फील कर रहे हैं, मतलब क्या क्या फीलिंग है उसकी मैच जीतने के बाद, इतनी बड़ी ट्रॉफी, इतना बड़ा इवेंट और इतना बड़ा कप जो उसकी एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, वो जीतने के बाद उसके क्या तासुरात हैं और क्या ख्याल हैं। ये 2 दिन में मैसी से लाइव इंटरव्यू करेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको।